67वें वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ वन्य एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हमारा दायित्व प्रेम शंकर मीणा जमारामगढ़ जयपुर। 67वें वन्य जीव सप्ताह 2021 के शुभारंभ पर वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र जमारामगढ़ के क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंज जमारामगढ़ प्रेम शंकर मीणा के नेतृत्व में आज शुक्रवार को 67वें वन्य जीव सप्ताह 2021 का शुभारंभ किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रेम शंकर मीणा ने बताया कि वन्य जीव सप्ताह के अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण पर संगोष्ठी की गई एवं रेंज कार्यालय परिसर सहित रामगढ़ बांध तक परिक्षेत्र में समस्त रेंज स्टाफ द्वारा सड़क की साफ सफाई कर पॉलिथीन व प्लास्टिक सहित अन्य कचरा एकत्र कर निस्तारण किया। साथ ही जमारामगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र में बंदरों वन्य प्राणियों को खाद्य सामग्री डालने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान 3300 के आर्थिक दंड वसूल भी की गई। प्रेम शंकर मीणा ने बताया कि लोग बंदरों को सड़क पर खाद्य सामग्री डाल देते हैं जिसमें दुर्घटना हो जाती है एवं कई बार खाने के चक्कर में वाहनों की टक्कर से वन्य जीवों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। मीणा ने वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर लोगों से अपील की कि वे वन्य जीवों को सड़क बीच खाद्य सामग्री नहीं डाले। ब्यूरो रिपोर्ट AN247 न्यूज राजस्थान। के शुभारंभ के ऊपर जमारामगढ़ रेंज कार्यालय परिसर और कार्यालय परिसर से जमारामगढ़ बांध तक की पूरा रोड का जो है साफ सफाई का कार्यक्रम रखा गया। सभी रेंज स्टाफ जमारामगढ़ ने मिलकर के और इसके जो भी प्लास्टिक थैलियाँ गंदगी वगैरह थी उसको साफ किया। इससे जो है यहाँ की स्थानीय जनता को संदेश दिया कि हर जगह पर प्लास्टिक वगैरह को नहीं डालें, उसका समुचित उपयोग करें और उसको उस तरह से जो है उसका निस्तारण भी किया जाए।